कोठी थी ये, कैसे बेच दी आपने? तो ये कर्जा उसका बाप आके उतारेगा? उतर जाएगा कर्जा, काम कर तो रही है वो। खत्म होगी उसने जहाँ, कोई काम नहीं है। इतने महीनों से कोई एक भी पार्टी हुई है यहाँ? तो खुद जा जाकर प्रोड्यूसरों को दावत नामे दे रहा है, कोई आया यहाँ? आपने छोटी बेटी को स्टार बना दिया, इसलिए उसने जहाँ के लिए कोई नहीं आ रहा, उसे प्रमोट कर रही है ना आप? हाँ कर रही हूँ। फिर तू कौन होता मुझसे पूछने वाला? उसने जहाँ ने भी मुझसे ये सवाल नहीं पूछा। पापा मुमताज, वो बेटी है आपकी, लाखों कमा के दिए, बुरे वक्त में आप उसे कैसे छोड़ सकती हैं? मैं नहीं छोड़ रही, उसकी जिद उसे छोड़ रही है। अरे मखदूम साहब तो उसे यहाँ से ले जाने आए थे, पर ना उसे तो अपने नाम के साथ कोई नाम नहीं लगवाना। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं उसकी अकड़ खत्म होती है, कैसे नहीं झुकती है वो। पापा मुमताज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, वो कहाँ जाएंगी यहाँ से? मखदूम साहब की हवेली में। मखदूम साहब की हवेली, वहां घोड़े हैं, जानवर और औरतें, तीनों में कुछ फर्क नहीं है। ये तो उस वक्त उसे सोचना चाहिए था ना, ताहा के साथ भागते हुए सारी जवानी फूंक दी उसने। इस उम्र में तो उसको अब यही मिलेगा ना, शुक्र करे उसे ये भी मिल रहा है। मैं इस घर को आग लगा दूंगा अगर उसने जहाँ को यहाँ से कोई लेने आया तो। तो टकेगा मेकअप आर्टिस्ट, तू क्या, तेरी औकात क्या, तू आग लगाएगा? तुझे मैं उठा के बाहर फेंकवाती हूँ। जब्बार रशीद। नहीं अम्मा। कुछ नहीं करेगा ये, कुछ नहीं करोगे तुम। बिकते हो तो इस घर को, तुम्हारा क्या जाता है? इसे बांध के रख या इसके गले में पट्टा डाल के रख, ये तो मैं हूं जो इसे बर्दाश्त कर रही हूं। मेरी जगह अगर मखदूम साहब होते तो इसे यहां जिंदा गाड़ देते।